हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दिस इज़ आकाश कुंडे, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूनिट नंबर 3, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विच कैरीज 10 मार्क्स। टुडेज लेक्चर नंबर 16। इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट मीटर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन पैरामीटर्स। The course outcomes are: student will able to use wattmeter for electrical power measurement, and the learning outcomes are: student will able to describe the selection procedure of the meter for measuring the given parameters. Now the concept map, we will measure the given quantity. Suppose for the measurement of maximum demand, we are using the maximum demand indicator. For measurement of power by 4 quadrant meter, and last is phase sequence detector. Now moving towards the first instrument, or we can say the first meter, that is maximum demand indicator. अब पहला maximum demand indicator क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। अब इसमें word दिया है indicator। इंडिकेटर का मतलब कुछ तो भी इंडिकेशंस आपको इसके थ्रू मिलने वाले हैं, बट कौन से इंडिकेशंस मिलेंगे, तो वो इंडिकेशन बोला गया है मैक्सिमम डिमांड का। दैट मीन्स ये जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें कंज्यूमर एक पर्टिकुलर समय में कितना मैक्सिमम पावर यूज़ करता है वो हमें ये मीटर बताता है। वंस अगेन आई एम रिपीट, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें कंज्यूमर एक पर्टिकुलर ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी मैक्सिमम पावर वो कंज्यूम करता होगा वो हमें मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर दिखाता है। द मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर शोज द मैक्सिमम पावर टेकन बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर जितना भी अमाउंट ऑफ पावर या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर जो यूज़ कर रहा है वो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर हमें शो करता है। दे आर सच डिज़ाइन दैट दे डू नॉट रिकॉर्ड द हाई स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर, शॉर्ट सर्किटिंग करंट, विच इज सडनली मोमेंटरी इंक्रीज इन द लोड करंट। सो द मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर आर डिज़ाइंड to record average power over successive predetermined periods, say of 15 to 30 minutes. जो ये maximum demand indicators जो होते हैं ये हमें high starting current या फिर short circuiting current का value record करके नहीं देते हैं। इसीलिए maximum demand indicator ये ऐसे design किए जाते हैं कि वो हमें एक average power हमें determine average power record करके देते हैं over a particular period of time। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 मिनट से आधा घंटा। देयर आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग डिमांड इंडिकेटर्स, थर्मल टाइप मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स, डिजिटल मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स एंड एवरेज डिमांड इंडिकेटर। एवरेज डिमांड इंडिकेटर को ही नया नाम दिया है मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। यहाँ में मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के डायग्राम भी दिख रही हैं। सिमिलरली अगर एवरेज मैक्सिमम डिमांड हमें निकालना है इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट, तो फॉर्मूला दिया है कि मैक्सिमम एनर्जी रिकॉर्डेड ओवर अ टाइम इंटरवल इन KWH अपॉन टाइम इंटरवल्स इन आर, यानी कितने समय के लिए, जितने भी घंटे के लिए जितना भी मैक्सिमम एनर्जी रिकॉर्ड हुआ है इसका रेशियो, यानी आप एवरेज मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हो इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज़ फेज सिक्वेंस इंडिकेटर। अब यहाँ पर भी हमने देख रहे हैं कि यह फेज सिक्वेंस आपको इंडिकेट करता है। ये इंडिकेटर फेज सिक्वेंस यानी तीन ही फेज है आर वाई और बी, तो सही जो फेज होता है वो है आर वाई बी, तो सही फेज यानी आर वाई बी। और अगर कोई भी फेज इंटरचेंज हो जाता है या वाई आर बी या बी वाई आर ऐसा होता है तो दैट इज़ नॉट इन फेज, वो उल्टा फेज होता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तो हम वो देखेंगे कि फेज सीक्वेंस इंडिकेटर क्या होता है। बेसिकली दो प्रकार के फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होते हैं, एक होता है रोटेटिंग टाइप और दूसरा होता है स्टैटिक टाइप। अब रोटेटिंग टाइप जो होता है, अब यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं वो रोटेटिंग टाइप है। इसमें देखिए बीच में, सबसे बीच में आप लोगों को एक स्टेटर रोटर दिख रहा होगा। रोटर के ऊपर वहाँ एक मेटल डिस्क लगाई है
एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर मेटल डिस्क लगाया है और तीन वाइंडिंग्स लगाई है उसको, आर वाई और बी फेज वाइंडिंग्स। अब ये जो रोटर है यहाँ ये घूमता है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो वर्किंग प्रिंसिपल है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर रोटेटिंग टाइप फेज सिक्वेंस इंडिकेटर ये एक्ट करता है। द डिवाइस रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो व्हेन करेक्ट फेज सिक्वेंस दैट इज आर वाई बी इज कनेक्टेड टू इट। अगर आर वाई और बी ये सही फेज सिक्वेंस अगर कनेक्ट किया है तो जो एरो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेटल प्लेट के ऊपर या मेटल डिस्क के ऊपर, वो डिस्क वो एरो के डायरेक्शन में घूमेगी। और अगर आर वाई बी ये सही सिक्वेंस नहीं है तो एरो के रिवर्स डायरेक्शन में आपका प्लेट घूमेगा। सिमिलरली हम दूसरा टाइप देखेंगे फेज सिक्वेंस इंडिकेटर का, जो कि स्टैटिक टाइप है। स्टैटिक का मतलब एक जगह पर है जिसमें मूवमेंट नहीं है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। अब इसमें बेसिकली दे हैव डन, उन्होंने कुछ लैंप्स लिए गए हैं। हम दोनों फिगर्स में आपको कुछ लैंप दिख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले फिगर में द स्टैटिक फेज सिक्वेंस इंडिकेटर कंसिस्टिंग ऑफ टू लैंप एंड एन इंडक्टर। यहाँ दो लैंप, दो फेजेस में दो लैंप लगाए हैं और तीसरे फेज में एक इंडक्टर लगाया है। इफ़ लैम्प वन इज डिम एंड लैम्प टू ग्लोज ब्राइटली देन द फेज सिक्वेंस ऑफ सप्लाई आर वाई बी। अगर यहाँ लैम्प वन ये डिम है और लैम्प टू बहुत ब्राइटली अगर ग्लो करता है तो यहाँ पर अपन ये समझ सकते हैं जो फेज सिक्वेंस है वो आर वाई बी है, जो सही है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, लैम्प वन अगर ग्लो करता है ब्राइटली और लैम्प टू अगर डिम होता है तो जो फेज सिक्वेंस है वो उल्टा है, रिवर्स है, ये इंडिकेट होता है। सिमिलरली इन द सेकेंड फिगर वी हैव सीन, यहाँ हमने नियॉन लैम्प्स के साथ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये दोनों चीज़ यहाँ हमने कनेक्ट की गई है। अब यहाँ पर भी उसी पैटर्न में अगर फेज सिक्वेंस सही है दैट इज़ आर वाई बी है तो लैम्प ए ग्लो करेगा और लैम्प बी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर फेज सिक्वेंस डिस्टर्ब है दैट मीन्स अगर रिवर्स है तो लैम्प उल्टा होगा, लैम्प ए ग्लो नहीं करेगा और लैम्प बी ग्लो करेगा। तो ये जो इंडिकेशंस है, ये इंडिकेशन से हमें फेज सिक्वेंस का यहाँ पता चलता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मीटर दैट इज़ फोर क्वाड्रेंट मीटर। फोर क्वाड्रेंट मीटर ये इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर भी कह सकते हैं। ये जनरली यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी 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 स्मॉल पावर, जहाँ बहुत ही छोटा, बहुत ही कम पावर मेजर करना होता है वहाँ आप फोर क्वाड्रेंट मीटर का यूज़ कर सकते हो, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर भी कहते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजरमेंट इन लॉन्ग केबल्स विथ एसी वोल्टेजेस। इसे आप डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है केबल्स के अंदर, अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर, उसका मेजरमेंट करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस टॉर्क इन दिस इंस्ट्रूमेंट is directly proportional to the sum of voltage drop at the load and drop in the series resistance R. So now we will going to summarize the today's lecture. In the today's lecture we have learned about the measurement of power by using different meters. For example, maximum demand meter जो कि हमें maximum demand बताता है। सिमिलरली वी हैव सीन फेज सिक्वेंस इंडिकेटर जो हमें फेज सिक्वेंस दिखाता है, जो फिर से दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ रोटेटिंग टाइप एंड स्टैटिक टाइप। एंड लास्टली द मेजरमेंट ऑफ पावर बाय फोर क्वाड्रेंट मीटर, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर भी कहते हो, जो कि वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को मेजर करता है। सो बाय दिस पी ओ नंबर 1, 2, 3, 4 and 10 आर गोइंग टू बी मैप्ड। So in the next lecture, we are going to start the unit number 4, that is measurement of electrical energy. So up till that, keep learning. Thank you.